नौ पुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वेदांत दर्शन की 19वीं कक्षा, वेदांत दर्शन के प्रथम अध्याय के तीसरे पाद का 8वां सूत्र हम पिछली कक्षा में देख रहे थे और वो प्रसंग भूमा शब्द का था। परमात्मा के वाचक विभिन्न शब्द शास्त्रों में उपनिषदों में आते हैं, तो उनमें से भूमा शब्द जब आया तो वो किसका वाचक है, तो परमात्मा का वाचक है। क्यों है वो चर्चा चल रही थी। संप्रसादात अधि उपदेशात्, आत्मा से भी बढ़कर के ऊपर उसका उपदेश किया हुआ है, वो प्राप्तव्य के रूप में कहा गया है। इससे पता लगता है कि भूमा शब्द से यहां पर परमात्मा का ही ग्रहण होगा, आत्मा का तो हो नहीं सकता है। तो ये प्रसंग चल रहा था, इसका कुछ भाष्य हमने देखा था, उद्धरण उपनिषद वाला देख लिया था, आगे का भाग देखेंगे। तो पिछले पाठ में से इन्हीं को पूछना है, पीछे द्विभु आदि का आयतन एक प्रसंग हमारा चल रहा था पिछली दो कक्षाओं से, तो इनसे संबंधित कुछ पूछना है तो पूछे। ओम आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 68 में सूत्र संख्या 6, इसमें जो नीचे एक भाष्यकार ने यहाँ पर एक अभिप्राय इसका निकाला है कि द्विभु प्रभृति नाम आयतनम, ये भाष्य के नीचे से तीसरी पंक्ति, द्युभू प्रभृति नाम आयतनम प्राणभृत अर्थात जीवो नास्ति इति सूत्र विचारेण सिद्ध्यति, क्योंकि आयतन वही हो सकता है इनके मत के अनुसार कि जो जगत से पहले विद्यमान हो, लेकिन ऐसा कोई नियम है कि कोई वस्तु किसी का आधार तभी बन सकती है जब वो उससे पहले विद्यमान हो, उसके बाद में आने पर वो नहीं बन सकती है। इन्होंने यहाँ प्रस्तुति ऐसे ही दी है कि इससे ये सिद्ध होता है, इससे किससे कि द्विभुआदि का आयतन जीव भी हो सकता है, ये जो संभावना का भी विचार किया गया है एक देखने के लिए, द्विभुआदि का आयतन प्रकृति हो सकती है, द्विभुआदि का आयतन जीव हो सकता है और परमात्मा, ये जो विचारणा में जीव को लिया उससे इन्होंने ये निकाला कि जीव द्विभुआदि से पहले का है, और उसमें इनका हेतु तो अंदर की इनकी समझ हम अधिकरण सिद्धांत की दृष्टि से देखें तो ये पीछे यही देख रहे हैं कि जो आयतन होता है वो पहले ही होता है। ठीक है, अब इस पे आपका प्रश्न है कि आयतन क्या, जो वही होता है जो पहले होता है, बाद में भी तो हो सकता है, यानी जिसका आयतन है उससे बाद में हो, ऐसा। तो यहां आयतन को एक विशेष अर्थ में हम सीमित अर्थ में लेंगे, जिस तरह की बात चल रही है उतने अर्थों में तो यह ठीक है कि आयतन पहले ही होना चाहिए, बाद में नहीं हो सकता है। जैसे कि पृथ्वी बनी और पृथ्वी के ऊपर घड़ा भी बना, मिट्टी से ही बना, अब यह बाद में उत्पन्न हुआ घड़ा पृथ्वी का आयतन आधार आश्रय नहीं हो सकता है, इस रूप में यह प्राय सब घटेगा। लेकिन आपके मन में जो अपवाद दिख रहे हैं, आपके मन में आ रहे हैं कि जो बाद में उत्पन्न हुआ वो भी आयतन हो सकता है, तो ठीक है, कुछ उदाहरण हो सकते हैं, बोलिए कोई उदाहरण। ओम, जैसे घड़ा ही है बाद में उत्पन्न हुआ, लेकिन पहले से उत्पन्न जो पानी है उसका आधार बन सकता है। हाँ, तो यहां आयतन का मतलब वैसा नहीं है, उस तरह से नहीं है, वो तो एक तरह से घड़ा तो बना बाद में, लेकिन पृथ्वी ही है, पृथ्वी है, जल का आधार है, तो ये रखने का स्थान केवल इस रूप में आयतन या आश्रय लेंगे कि उसको रखा हुआ है। तो यहाँ आयतन बहुत व्यापक रूप से है, उसको धारण कर रहा है, उसकी रक्षा कर रहा है, उसको चला रहा है, उसको उपयोगी बना रहा है, ये सारी चीजें वहां पर संग्रहित हैं। दूसरा, ये जो हमारा प्रसंग चल रहा है, जिन वचनों पर ये सारी चर्चा चल रही है उपनिषद के जिन वचनों पर, वहां जिस तरह का आयतन है वो ही केवल लिया जाएगा। अब ये कार्य द्रव्य स्थूल जो चीजें हैं
वहां वो आश्रय नहीं लेंगे। नहीं तो ये इतने अंश में अपवाद तो मिलेंगे, घड़े का आपने ले लिया, व्यक्ति भी हम एक दूसरे के देखभाल आदि करते हैं, रक्षा करते हैं, तो सैनिक हैं, नए नए हैं, युवक हैं, नवयुवक हैं, वृद्धों की का आश्रय बनते हैं, देश का आश्रय बनते हैं, प्रधानमंत्री हैं, देश का आयतन आश्रय बनते हैं, देश के बाद से आए हैं वो, इत्यादि चीजें हो सकती हैं, हो सकती हैं। लेकिन जिस दृष्टि से, जिस संदर्भ में ये है, उस तरह से देखेंगे तो वो आयतन पहले ही होना चाहिए, आयतन पहले ही होना चाहिए। हाँ, और कोई? रविशंकर जी, सूत्र संख्या 3 में यहां जो अनुमान शब्द जो आया है, तो इससे हम अनुमेय प्रकृति का ग्रहण कर रहे हैं जी, कि प्रकृति आयतन नहीं है, प्रकृति का आयतन परमेश्वर जो अनुमेय है जी। स्थूल चीज से जिसको जाना जाता है तो वो प्रकृति, प्रकृति भी द्यूभू आदि का आयतन नहीं कही गई है यहां पर, प्रकृति भी द्यूभू आदि का आयतन नहीं कही गई है, ये ध्यान रखना। वो उपनिषद के वचन पर ये चर्चा चल रही है कि यहां जिसको आयतन कहा गया है वो कौन है, अन्य भी आयतन होते हैं, निषेध नहीं है उसका, सिद्धांत नहीं है, केवल सैद्धांतिक चर्चा नहीं है कि द्यूभू आदि का आयतन कौन है निरपेक्ष रूप से, तो क्या प्रकृति भी आयतन है कह सकते हैं, प्रकृति भी, मूल प्रकृति भी चूंकि द्यूभू आदि का उपादान कारण है इसलिए वो भी आयतन है, ये कथन बन सकता है किसी अलग जगह पे। लेकिन यहां प्रश्न ऐसा नहीं है कि द्यूभू आदि का आयतन कौन है, यहां उपनिषद के वचन के परिप्रेक्ष्य में है कि यहां जो आयतन कहा गया है वो कौन है, इस पंक्ति में जो द्यूभू आदि का आयतन कहा गया है वो कौन है, हमारा प्रसंग यह है। अब बोलो जी, इसमें जो प्रकृति है उसका आयतन भी परमेश्वर को स्वीकार किया गया है, मान सकते हैं जी। लेकिन जी इसमें जो प्रकृति है, जो मूल प्रकृति है, वो तो स्वयं में स्थित है, स्वयंभू है, तो ऐसे में जो सत्ता स्वयंभू है तो उसके आयतन का अगर ना भी हो अभ्युपगम से तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, उसके अस्तित्व में कोई अंतर नहीं आएगा मूल प्रकृति में। लेकिन आयतन का मतलब क्या है, आयतन की व्याख्या करनी होगी ना हमें, आयतन का मतलब क्या है, आश्रय का मतलब क्या है, कि परमात्मा के बिना मूल प्रकृति उपयोगी नहीं हो सकती है किसी के लिए भी, उसके जो गुण धर्म है अव्यक्त रूप में है वो व्यक्त रूप में नहीं आ सकते, निरुपयोगी है, क्या करेगी वो, उसकी सार्थकता परमात्मा के आधार पर है, तो कह सकते हैं कि इसका आधार परमात्मा है इस रूप में, वो अर्थ नहीं है कि उसकी उत्पत्ति कैसे हुई जब वो पहले से है विद्यमान, उस दृष्टि से आयतन नहीं है, परमात्मा उसको बनाने वाला नहीं है। तो आयतन शब्द भिन्न भिन्न संदर्भों में, भिन्न भिन्न अर्थों में, एक अंश में या सर्वांश में घट सकता है, एक अंश भी घट रहा है तो हम कह सकते हैं ये इसका आयतन है, ये इसका आश्रय है, हम धरती को भी हमारा आश्रय कह देते हैं ये भी एक आयतन है, हम पानी को भी अपना आश्रय कह सकते हैं वो भी एक आयतन है, हम परमात्मा को भी कह सकते हैं, ये सब चीजें, देश है, सेना है, माता पिता है, सब चीजें ये हमारा आश्रय है। तो उन सब में अलग अलग अंश जहां जहां जितना घट रहा है वो संगति से लगा के देखना होगा बस। जय जी, 7वें सूत्र में स्थिति परमात्मा के लिए कही गई और अदन को जीवात्मा, जीवात्मा के लिए कहा। हाँ, तो ये उदाहरण कैसे उसमें सेट होगा, उसमें तो परमात्मा हमने पक्षी की तरह बता दिया, परमात्मा वो एक पक्षी की तरह बता दिया। हाँ, वो प्रकृति पर बैठा है, पेड़ पर बैठा है, तो ये उदाहरण संगत है यहाँ पर, दो अलग अलग चीजें हो गई ना, उदाहरण को दोनों तरह से इन्होंने घटाया है, दोनों घटा करके बताया, तो स्थिति और अदन के द्वारा। एक स्थिति में है और एक भोग में है, बस ये भेद है, दोनों के अंदर भिन्नता दिखा दी और इसके आधार पर स्थिति किया है उन्होंने, क्योंकि इसके इसके साथ जो एक चीज जुड़ी भी है मैंने अलग से बोली थी कि हम जिसको भोग रहे हैं हम उस पर आश्रित हैं, हम जल पर आश्रित हैं, हमारा जीवन जल के ऊपर, वायु पर चल रहा है, जल और वायु के आश्रय हम नहीं हैं,
वो हमारा आश्रय है। तो प्रकृति का भोग जीव कर रहा है, तो जीव प्रकृति पर आश्रित है, तो जीव प्रकृति का आयतन नहीं हो सकती, हो सकता आश्रय नहीं हो सकता है। हमारा आश्रय प्रकृति हो सकती है, कार्य द्रव्य पृथ्वी आदि, लेकिन हम उसके आश्रय नहीं हो सकते, हम इस धरती के आश्रय नहीं है, हमारा आश्रय धरती है। तो एक तो भोगता होने से जीव को हटा दिया वहां से कि ये तो आयतन हो नहीं सकता है, और दूसरा जो देख रहा है अपने स्वरूप में स्थित है, जो स्वरूप में स्थित है जिसको इसकी आवश्यकता नहीं है, प्रकृति की आवश्यकता नहीं है, वो उसका आश्रय तो हो सकता है। जीव जैसे आश्रय नहीं हो सकता, ऐसा निषेध हम परमात्मा के लिए नहीं कर सकते। अगर परमात्मा भी भोग रहा होता प्रकृति को तो कह सकते थे, लेकिन परमात्मा तो भोग नहीं रहा है, अनशनन भोग नहीं रहा है वो, तो वो इसका आश्रय हो सकता है। स्थिति और अदन का भेद होने से दो के अंदर, इसलिए इससे हमें निर्णय हुआ। प्रकृति तो मतलब फिर दोनों का आश्रय बनी ना, उदाहरण में तो पेड़ पर बैठे हैं तो, और पेड़ जो है वो कैसे सिद्ध करेंगे कि परमात्मा पर आश्रित है? नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, ये उदाहरण उस अंश में नहीं दिया। इसकी चर्चा काफी चलती है वैसे तो, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, बोले कि देखो इसमें मूल बात वो है न्याय दर्शन की, ये ध्यान रखने की दृष्टांत के सारे धर्म वहां नहीं घटते, नहीं तो इससे क्या क्या चीजें निकाल सकते हैं। परमात्मा शरीरधारी है, निकाल सकते हैं ना, क्योंकि वो भी एक पक्षी है, जैसे जीव पक्षी है तो परमात्मा भी शरीरधारी है, वेद ये मानता है। प्रकृति के आश्रित उन्होंने कहा ही कि वो बैठा हुआ है उसके ऊपर, जैसे जीव बैठा हुआ है ऐसे परमात्मा भी बैठा हुआ है, और एक देशी, क्योंकि वो पक्षी है वो एक देश में है, जैसे जीव भी एक पक्षी है एक देश में, भले ही छोटे बड़े पक्षी हो लेकिन फिर भी पक्षी तो पक्षी है और एक देशी है, तो परमात्मा सर्वव्यापक न होकर एक देशी होने लगेगा। ये सब जाति के प्रयोग माने जाएंगे। वक्ता क्या चीज बोलना चाह रहा है यहां पर, उसका प्रतिपाद्य विषय क्या है, बाकी तो दृष्टांत तो उदाहरण तो सारे जू के तू होते हैं, उसको कोई जू का तू नहीं लिया जाता है। अब सामान्य भाषा में हम बोल देते हैं कि ये तो गधा है, ये तो शेर है, तो बोले कि नहीं गधे जैसा रंग तो नहीं है इसका। ऐसा कोई खंडन करने लगे भाई, आपने कहा ये गधा है, गधा तो नहीं है, गधे जैसा है, चलो तो गधे जैसे, बोले गधे जैसे बाल तो इसके नहीं है, शेर जैसे बाल तो इसके नहीं है। ये जो खंडन होता है ये जाति का खंडन है, ये जाति का प्रयोग है कि दृष्टांत वक्ता ने जिस भाव से दिया है हमें केवल वही लेना है, नहीं तो अन्याय कर रहे हैं उसके साथ में। अब लोक भाषा में तो हम इस तरह से कभी बोलते नहीं है, क्योंकि ऐसा बोलेंगे तो वो मूर्खी सिद्ध होगा, क्योंकि भाषा समझते हैं भाई, शेर कह रहे हैं तो वही शूरवीरता बताना चाहता है, उधर मूर्खता बताना चाहता है गधा कह करके, ये तात्पर्य हम समझते हैं, इसलिए इन शब्दों से हमें कोई बाधा नहीं होती है व्यवहार में, हमारे अभ्यस्त हैं उसके, हम एकदम वही अर्थ लेते हैं कि भाई गधा है मतलब अभिधा तो घट नहीं रही है, ये तो मनुष्य है, तो हम अपने आप लक्षणा पे चले जाते हैं, तात्पर्य पे चले जाते हैं, और भाई गधे से क्या समानता बता रहा है ये, मूर्खता बता रहा है या मजबूती बता रहा है, भाई गधा मजबूत होता है ना, सामान उठा के लेके जाता है इतना, मिट्टी विट्टी सब जो भी है, तो मजबूती के लिए गधे का उदाहरण दिया नहीं जाता है, मजबूती के लिए देते तो खच्चर, खच्चर का देते, या तो पहाड़ों पे भी ढोता है। एक लोक में प्रसिद्धि होती है कि ये किस अर्थ में बोला जा रहा है, इन शास्त्र के वचनों से हम उतने परिचित होते नहीं है, वो हमारे व्यवहार की भाषा नहीं होती है, तो ऐसे में हम वही करने लग जाते हैं जैसे कोई यूं कहने लगे कि गधा है तो मतलब गधे जैसे बाल तो नहीं है इसके, ऐसे ही यहां पर होगा। तो वक्ता जिस अभाव को कहना चाहता है और जो उसमें घटता है वही लिया जाता है, ये भाषा का प्रयोग है, भाषा शास्त्र है, ये भाषा की सूक्ष्मता है, नहीं तो गड़बड़ होगी ही, और इसीलिए मीमांसा शास्त्र इतना बड़ा लिखा गया है, ये भी मीमांसा है, 20 अध्याय हैं, ये भी जोड़ लो आप वेदांत भी,
मीमांसा ही तो चल रही है ये भी, कि क्यों यही अर्थ लिया जाएगा। भाषा के नियम अपने होते हैं, न्याय से भी, न्याय दर्शन में भी आती है ये बातें कि वक्ता के अभिप्राय से इधर उधर नहीं जाएंगे, जाएंगे तो गलत है ये। तो वक्ता ये नहीं कहना चाह रहा है कि वो एक देशी है, वक्ता ये नहीं कहना चाह रहा है कि वो प्रकृति के आश्रित है। एक दृष्टांत उपमा दिया गया है, एक दृष्टांत उपमा दिया गया है बस। और बोले कि इसमें त्रैतवाद है या और ज्यादा भी है, इससे तो त्रैतवाद सिद्ध करते हैं ना। कौन कौन? ईश्वर, जीव और प्रकृति। वृक्ष प्रकृति हो गया। और कह लो वृक्ष किस में गड़ा हुआ रहता है? वृक्ष कहां पर खड़ा हुआ है आपका? धरती में खड़ा हुआ है ना। वो इन तीन से, पेड़ से वो अलग है या पेड़ ही है? नहीं, पेड़ से तो अलग है। तो वेद त्रैतवाद को नहीं मानता है, चौथे को और मानता है। ठीक है। और एक देखने वाला भी अलग बैठा हुआ है, जो ये देख रहा है ना कि एक पेड़ है उस पेड़ पे ये एक पक्षी बैठा है, एक पक्षी बैठा है, और एक ये खा रहा है और ये कर रहा है। ये जो दृष्टा है ये एक और चीज है और वो चेतन ही है। तो एक जीव चेतन हो गया खाने वाला, एक देखने वाला परमात्मा चेतन, और एक दृष्टा चेतन और हो गया जो इसकी विवेचना कर रहा है, इस मंत्र की विवेचना कर रहा है ना। वो जीव और परमात्मा से विभिन्न कुछ विशिष्ट है। अब ये कुछ कुछ भी ले लीजिए, ये अन्याय है। वक्ता जो कहना चाहता है, तयो अन्य पिप्पलम स्वादुवत्ति, बस दूसरा अनश्नन अन्य अभिचाकिषेति। मुख मूल बात यह है। इसलिए इन प्रसंगों में यूं देखेंगे तो कोई प्रश्न नहीं उठेगा, और नहीं तो हर जगह बस यही उत्तर आएगा, भाई क्यों लिखा इन्होंने, क्यों लिखा, आखिर ऐसा लिखा क्यों जब था ही नहीं तो। भाई उसको गधा क्यों कहा, जब उसके ऐसे बाल ही नहीं थे तो गधा क्यों कहा, जब उसके खुर थे ही नहीं तो इसको गधा क्यों कहा, इसका क्या उत्तर देंगे आप? आप जिंदगी भर समझाते रहिए यही तो कहेंगे भाई, तात्पर्य मूर्खता में है बस। भाषा का प्रयोग है, भाषा होती है ये, ये भाषा शास्त्र है, लिंग्विस्टिक है, कि कैसे हम किस वाक्य का ठीक अर्थ लें, गलत अर्थ पे ना चले जाएं। अपने आप में बहुत बड़ा शास्त्र है। इसलिए महर्षि दयानंद ने तो दर्शनों के अंदर पहले दोनों मीमांसा दर्शन पढ़ने के लिए लिखे, मीमांसा, ये पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा नहीं, फिर वैशेषिक न्याय, तो पूर्व मीमांसा को सबसे पहले क्रम में जो है पहले लिख रखा है। अब हो नहीं पाता है, बल्कि उल्टा हो जाता है, कभी मीमांसा पढ़ने बैठ रहे हो, जो और दर्शन पढ़े हो तो मीमांसा पढ़ेंगे, एकदम नहीं पढ़ पाते। लेकिन मीमांसा है ही इसलिए कि जब हम शास्त्रों को पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो जैसे व्याकरण पहले आवश्यक होता है, कि भाई संस्कृत की जानकारी हो, उसकी शब्दार्थ संबंध की जानकारी हो, विभक्तियों की जानकारी हो, समास की, कारक की, इत्यादि की, ऐसे ही वाक्य के अर्थ कैसे ठीक लिए जाएं ये तो पता हो, नहीं तो कुछ का कुछ अर्थ लेंगे, मनचाहा अर्थ लेंगे और उसको समझ में ही नहीं आएगा कि यही अर्थ क्यों ले रहे हैं, दूसरा क्यों ले रहे हैं। और मीमांसा पढ़ी हुई होगी, पता है कि भाई कैसे कैसे अर्थ लिए जाते हैं, तो जब उनको कहा जाएगा देखो यहां इस तरह से अर्थ लिया, तो एकदम समझ में आएगा, अच्छा ठीक है। अब जिन्होंने ये समझ रखा है कि दृष्टांत के सारे धर्म दृष्टांत में नहीं होते हैं, उनको जैसे ही बोलेंगे कि भाई ये धर्म तो इसमें नहीं, सारे धर्म नहीं, उनका अच्छा हाँ ठीक है, वो समझ जाएगा। दूसरे कहेंगे क्यों नहीं, जब आप ये धर्म घटा रहे हो तो ये क्यों नहीं घटा रहे हो, आप ही ने तो कहा था कि जैसा ये है वैसा ये है, और वो सारे घटाने बैठेगा उसको समझाना मुश्किल होगा। और कुछ सूत्र संख्या 8, सूत्र संख्या 8 जी, भूमा संप्रसादात अध्युपदेशात, संप्रसादात अधि, अधि को उधर जोड़ लीजिए, अधि उपदेशात, तो संप्रसाद से जीवात्मा का ग्रहण कैसे कर रहे हैं? जीवात्मा का जी, तो उन्होंने देखो आगे बताया, अभी तो इस सूत्र को हम पढ़ रहे हैं, भाष्य को, अभी आगे इसका उत्तर आएगा, इसकी पुष्टि देंगे वो कि आखिर क्यों संप्रसाद का अर्थ ये लिया, क्योंकि ये तो सारा अधिकतर शब्द प्रमाण में ही चल रहा है, तो यहां हमने ये अर्थ लिया क्यों, क्योंकि देखो ये एक वाक्य और मिल रहा है जहां की संप्रसाद का मतलब जीवात्मा ही लिया जा सकता है, दूसरा नहीं लिया जा सकता, अभी आएगा वचन आगे। ठीक है, चलें आगे, पाठ चलाएं। वेदांत दर्शन के प्रथम अध्याय का तृतीय पाद और इसका 8वां सूत्र, उसका भाष्य हम देख रहे हैं, पृष्ठ संख्या 69।
सूत्र था भूमा संप्रसादात अधि उपदेशात। ये भूमा शब्द जो शास्त्र में आया है वो भी परमात्मा का वाचक है, क्योंकि संप्रसाद से ऊपर, आजीवात्मा से ऊपर इसका कथन किया जा रहा है। ये वो कोई तत्व है जो जीवों से भी ऊपर का है, तो इसके लिए इन्होंने छांदोग्य उपनिषद का उदाहरण दिया था, यो वही भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखम अस्ति। भूमा का मतलब इन्होंने परमात्मा, आगे करेंगे ही है, या अधिक जो होता है उसी में हमें सुख मिलता है, जो अल्प रहता है हमारी आवश्यकता से अधिक कम रहता है तो उसमें हमारे को दुख मिलता है, आवश्यकता से थोड़ा अधिक होता है वो हमें ठीक लगता है, संतुष्टि रहती है हमें। तो ये छांदोग्य का वचन हमने कल देख लिया था, अब उसके आगे देखिए, ये कहते हैं सो अत्र पठितो भूमा खलु परमात्मा विचेयः अल्पविराम। ये जो यहां भूमा पढ़ा गया है वो परमात्मा ही समझना चाहिए और कुछ नहीं। क्यों? अच्छा, परमात्मा समझना चाहिए, न तो जीवात्मा प्राणधारी, प्राण को धारण करने वाला मन शरीरधारी जीव आत्मा नहीं समझना चाहिए। क्यों ऐसा है? तो कुतः, उसका हेतु बता रहे हैं। यहां जितने हेतु दिए जाते हैं अधिकतर हेतु शब्द प्रमाण से संबंधित होते हैं, अन्वय व्याप्ति वाले जो धर्म धर्मी और वो जो एक से जुड़े हुए व्याप्ति वाले उस तरह के नहीं होते, लेकिन हेतु तो ये भी कहलाते हैं, और शब्द प्रमाण से को ही लेकर के यहां पर अधिकतर कथन किए जाते हैं। तो कहते हैं कुतः, तो बोले संप्रसादात अधि और उपदेशात, अधि को संप्रसादात अधि के साथ में जोड़ते हैं, अल्प विराम लगा रखा है इन्होंने। भाष्य देखिए, अधि का मतलब ऊपरी, तो संप्रसादाद उपरी, संप्रसाद से ऊपर, इसी को आगे खोल दिया प्राणधारिणो जीवाद उपरी, प्राण धारण करने वाले जीव से भी बढ़ करके आगे ऊपर, तस्य उपदेशनात् उसका उपदेश होने से, उपदेशनात् को खोल दिया प्रतिपादनात् उसका प्रतिपादन होने से, जीव से भी बढ़ करके उसके आगे परमात्मा का उपदेश प्रतिपादन कथन होने से। आगे संप्रसाद है प्राणधारी जीव, इसलिए निष्कर्ष निकाला यहां संप्रसाद का मतलब प्राणधारी जीव है। क्यों है? अत्र प्रमाणम, अब ये प्रमाण दे रहे हैं कि क्यों संप्रसाद का मतलब प्राणधारी जीव ही लिया और कुछ क्यों नहीं लिया, तो उसके लिए एक उदाहरण दे रहे हैं शास्त्र का, ये छांदोग्य उपनिषद का ही वचन दे रहे हैं। पीछे जो हमने वचन देखा था वो 7:23 का था, 7:23 और 24 का था, ये 8:12 का दे रहे हैं। क्या है? एषः संप्रसादः, यह संप्रसाद। अभी भी संप्रसाद कौन है ये नहीं बताया, यह संप्रसाद। हम अपने आप अर्थ लगाएंगे कि यहां कौन है संप्रसाद। अस्मात् शरीरात् समुत्थाय, इस शरीर से उठ करके, यह संप्रसाद इस शरीर से उठ करके, निकल करके। अब शरीर आया है तो संप्रसाद कौन होना चाहिए? जो शरीर में होगा तभी तो, शरीर से बाहर निकल के जा रहा है तो शरीर में होना चाहिए, शरीर में कौन होगा? तो एषः संप्रसादः अस्मात् शरीरात् समुत्थाय परम ज्योति ही उपसंपत्ति है, पर ज्योति को, श्रेष्ठ ज्योति को, श्रेष्ठ प्रकाश को प्राप्त करके, यहां से शरीर से उठ करके और परम ज्योति को प्राप्त करके। अब ये परम ज्योति क्या है? तो परमात्मा, उस परमात्मा को प्राप्त करके स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते, अपने स्वरूप में संपन्न हो जाता है, स्थित हो जाता है, अपने रूप में आ जाता है वो संप्रसाद, शरीर से हट करके परमात्मा को प्राप्त करके अपने स्वरूप में आ जाता है, स्वयं रूपेण अभिनिष्पद्यते। वो कौन है? स उत्तम पुरुष है, वह उत्तम पुरुष है, श्रेष्ठ पुरुष है वो। अब पुरुष का मतलब तो चेतन आत्मा है। अब आत्मा दो प्रकार की है, जीवात्मा और परमात्मा, तो इनमें से कौन सा आत्मा ऐसा हो सकता है जो शरीर से उठ करके और परम ज्योति को प्राप्त करके अपने रूप में स्थित हो जाता है? निश्चित रूप से जीवात्मा ही है। तो इसलिए एषः संप्रसादः है, मैं संप्रसाद का मतलब जीवात्मा, प्राणधारी जीव और विशेष रूप से मनुष्य का आत्मा, ये यहां पर गृहित होगा। तो ये कि ये वचन है, इस एक प्रसंग में मैं योग दर्शन के प्रसंग में आपको इसको ध्यान दिला रहा हूं। योग दर्शन में जो अंत में या बीच में कैवल्य की बात आती है तो ये कहते हैं कि बस प्रकृति से छूट जाना है यही मुक्ति है, तो ईश्वर की तो बात है ही नहीं यहां पर। पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रतिप्रसव कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा व चिति शक्ति रीति, तो जीव के स्वरूप में प्रतिष्ठिति हो रही है ठीक है,
लेकिन साथ में क्या कहा कि इस प्रकृति से अलग हो गया है, बस प्रकृति उससे अलग हो, इतना ही कहा गया, परमात्मा को प्राप्त हुआ या नहीं कहा गया। अब देखिए ये वचन कैसा कह रहा है, एषः संप्रसादः अस्मात् शरीरात् समुत्थाय, इस शरीर से उठ करके, इसका मतलब है प्रकृति से दूर जा करके। शरीर तो कार्य द्रव्य प्रकृति का एक प्रतीक है, उपलक्षण है, इससे ऊपर जा करके, और शरीर के अंदर इंद्रियां, सूक्ष्म शरीर, सब चीजें आ गई, इस शरीर से ऊपर उठ करके, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, सबसे ऊपर उठ करके परम ज्योति रूप संपद्य, और उसको भी प्राप्त करके परमात्मा को स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्य थे, अपने रूप में आ जाता है। अपने रूप में कब आता है, दो बातें यहां पर हैं इकट्ठी, इस शरीर से हट करके और उस परमात्मा को प्राप्त करके, दोनों बातें हैं। ये पूरी बात यहां पर लिखी हुई है। कभी हम दो में से एक बात भी कह देते हैं, किसी व्यक्ति को कहें भाई ये किन का बेटा है, तो चाहे पिता का नाम ले लो चाहे माता का नाम ले लो, एक का नाम लेने से भी कथन होता है ना, तो बोले एक का नाम लेने से कहा इसका मतलब है कि केवल उसी ने उत्पन्न किया इसको। ऐसे मान लो पिता का नाम ले लिया या केवल माता का नाम ले दिया, तो ऐसा इसका ये मतलब थोड़ा है कि भाई नहीं, ये तो मानते हैं कि बिना मां के भी उत्पत्ति हो जाती है, बोले इनका बेटा है, पिता का नाम है, ऐसा अर्थ लेगा कोई? हाँ, अनजान व्यक्ति तो ले लेगा, जिसे सही स्थिति नहीं पता है, केवल वाक्यों के आधार पर निर्णय करना चाह रहा है, वो कहे कि ये इसका बेटा है, मां का नाम ले लिया तो मतलब इसका पिता नहीं है। वो पिता नहीं है का तात्पर्य अलग होता है वाक्य के अंदर ही, पिता मतलब विवाहिता नहीं है फिर भी बच्चा है, जैसा कि सत्यकाम जाबाला के लिए आया हुआ है, ठीक है, वे पिता नहीं है इसका, वे पिता में कोई ना कोई तो होगा, उस दृष्टि से विवाहित नहीं है, अविवाहित है, कोई ना कोई तो होगा, लेकिन ये अर्थ नहीं लेते कि इस मां ने अपने आप ही उत्पन्न कर दिया, या पिता हो तो कहले पिता ने अपने आप ही अकेले ने उत्पन्न कर दिया, मां की जरूरत ही नहीं है, स्त्री की जरूरत ही नहीं है। ये सिद्धांत विरुद्ध बात, प्रकृति विरुद्ध बात हम नहीं समझते, हमारा मन भी उधर नहीं जाता है क्योंकि हमें स्थिति पता है। लेकिन जिसको स्थिति नहीं पता हो और केवल शब्दों पे ही केंद्रित होकर के और अर्थ निकालने का प्रयास करेगा, बोले नहीं इन्होंने तो कहा है कि ये इस व्यक्ति का, पुरुष का बेटा है, मतलब ये मानते हैं कि मां, बिना मां के उत्पन्न हुआ ये। अब कोई ऐसा अर्थ लगाए तो लगा ले, शब्दों पे ही अड़ जाते हैं। तो ऐसे ही ये क्या करते हैं, योग दर्शन में ये कहा है, मतलब योग दर्शन में तो परमात्मा की प्राप्ति तो कही ही नहीं गई है, बिना मां करके, मां के ही हो जाएगी मुक्ति। एक अंश में देखते हैं, अब देखो ये कितना है, ये उस परंपरा का ग्रंथ है, उस परंपरा में दोनों बातें आवश्यक हैं, प्रकृति से दूर भी जाएगा, प्रकृति से अलग भी होगा, प्रकृति उससे अलग होगी पूरी तरह से, मुक्ति का स्वरूप वही है, जीते जी नहीं होगी, वो जीते जी वाली मुक्ति आंशिक मुक्ति है, एक देशी मुक्ति है। तो पूर्ण मुक्ति जो नितांत मुक्ति है उसमें प्रकृति से तो वो अलग हटेगा ही, अस्मात् शरीरात् समुत्थाय, और साथ में परम ज्योति रूप संपत्ति है, ये करके और ये करके और फिर वो होगा, नहा धो करके, पूजा पाठ करके, फिर भोजन करेगा। और कोई कहे कि नहा करके भोजन करेगा, कभी प्रसंग आया तो वो बोल देगा भाई ये भोजन करते हो, बोले नहीं ये तो नहा के करता है, ये भोजन करता है, बोले पूजा पाठ करके करता है, दो अलग अलग जगह कथन आ गया, वैसे वो दोनों करता है, लेकिन एक प्रसंग में कहीं कह दिया कि नहीं ये नहा करके खाना खाता है, तो बोले इन्होंने कहा है नहा करके खाना खाता है, मतलब पूजा करके खाना नहीं खाता है, ये क्यों निषेध ले रहे हो भाई यहां पर, ये निषेध थोड़ा कहा जा रहा है, इतना ही तो कहा जा रहा है कि हां नहा करके भोजन करता है। तो किस प्रसंग में कोई बात कही गई है, उतने मात्र से हम ये नहीं अर्थ ले लेंगे कि बाकी का तो इन्होंने निषेध ही कर दिया, बाकी का क्यों निषेध कर दिया, प्रसंग से आता है तो प्राप्त होगा वो। ऐसे ही योग दर्शन में जहां केवल प्रकृति से छूट करके मुक्ति की बात है, स्वरूप प्रतिष्ठा है, उसका ये अर्थ नहीं है कि वो परमात्मा को पाए बिना अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, और जहां परमात्मा को पा करके अपने स्वरूप में स्थिति की बात कही जाएगी तो उसका यह मतलब नहीं है कि वो प्रकृति से बंधन में रहता हुआ भी उस स्थिति को प्राप्त कर लेगा, दोनों आवश्यक है। ये वचन हमारे को प्रमाण के रूप में हम प्रस्तुत कर सकते हैं, देखो दोनों चीजें आवश्यक हैं, कहीं वो कह दी जाती है कहीं वो कह दी जाती है, कभी पिता का नाम बोल देते हैं कभी माता का नाम बोल देते हैं, उसका बेटा है, महिलाएं बात करेंगी तो कहेंगे किसका बेटा है, महिला का नाम ले देंगे, परिचित जो है, हमारे से परिचित पिता है तो हम पिता का नाम ले लेते हैं, हमारे से परिचित माता है तो माता का नाम ले लेते हैं,
उनका बेटा है, अथवा दोनों परिचित हैं तो दोनों का, लेकिन प्राय दोनों कहते नहीं है, एक को बोल देते हैं, कहीं प्रसंग होता है दोनों को कहना होता है तो दोनों का भी नाम लेना होता है संदेह के हटाने के लिए। कभी दो का नाम कहा ही जाता है सब प्रयोजन, नहीं तो एक का नाम लेते हैं उसी से दूसरे का समझ लिया जाता है। ऐसे ही इस संसार से हट करके मुक्ति को प्राप्त होता है, अपने स्वरूप में स्थित होता है, ये कैवल्य है, तो परमात्मा बल की प्राप्ति तो आ ही जाएगी वहां पर, उस परंपरा में कोई भी संदेह नहीं है, संशय होना ही नहीं चाहिए। लेकिन जो एक अंश में देखेंगे, एक अंश में कैसे, जैसे हाथी को देखते हैं एक एक अंश में, प्रज्ञा चक्षु अंधे, तो वो कुछ कुछ अलग अलग कह सकते हैं, ठीक है, उनको उनके उनका जितना प्रत्यक्ष है, एकांगी दृष्टि है, अब उसको खंबा कह रहा है तो कह रहा है, उतने में गलत नहीं है वो भी बात, लेकिन खंबा ही है ये जो आग्रह कर रहा है वो गलत है। आपको पूरी दृष्टि देखनी पड़ेगी, पूरा वैदिक वांग में देखना पड़ेगा, किस परंपरा का ग्रंथ है वो देखना पड़ेगा, नहीं तो योग दर्शन पे आरोप लगाते रहेंगे दूसरों पे, और चलती रहती हैं चर्चाएं ऐसी बड़े बड़े विद्वानों के अंदर। महर्षि दयानंद का जो कहना है कि सब दर्शनों में समन्वय है, ये वैदिक दर्शन है तो वेद के अनुसार ही तात्पर्य लिए जाएंगे, जो बात यहां नहीं कही गई है वो वेद से जोड़ दी जाएगी। ये बात भी मीमांसा दर्शन में आती है कि यहां कुछ कहा गया बाकी चीज नहीं कही गई, यहां कुछ कहा गया वहां कुछ बातें नहीं कही गई, तो क्या करना चाहिए कर्मकांड में और में, तो बोले उससे संबंधित जो बात वहां कही गई उसको ले लेनी चाहिए, वहां पर वो बात वहां से ले लेनी चाहिए, भाई यहां नहीं कही गई है कोई बात नहीं है, बाकी सारी प्रक्रिया वो की वो है, एक चीज छूट गई तो ले लेनी चाहिए। व्यवहार में भी हम ऐसे ही करते हैं, तो ऐसे ही यहां भी होगा। तो योग दर्शन में भी परमात्मा का वैसे तो निषेध है नहीं, परमात्मा को स्वीकार कर ही रहे हैं, लेकिन इतनी सी बात थी कि परमात्मा को पाते हैं या नहीं पाते, दर्शनों से उपनिषदों से हमें अन्य से पुष्टि होती है। तो संप्रसाद का मतलब यहां पर जीव ही हो सकता है, दूसरा कोई हो नहीं सकता, ठीक है। आगे कथम संप्रसादात उपरी तस्योपदेश, अब संप्रसाद का अर्थ तो जीव हो गया, लेकिन संप्रसाद से ऊपर कथन है संप्रसादात अधि, उसका किसका, परमात्मा का, तो ये ऊपर का कथन का मतलब क्या है उसको बता रहे हैं आगे। अत्रोच्यते, यहां पर इस विषय में कह रहे हैं कि श्रुतम ही एव मे भगवत, ये वही नारद और सनत कुमार की कहानी चल रही है, ये नारद बोल रहे हैं यहां पर, श्रुतम ही मे, श्रुतम ही एव मे, मैंने ये सुन रखा है, मेरे द्वारा सुना गया है क्या हे भगवत, भगवत दृश्येभ्य, आप लोगों, आप जैसों के द्वारा ही सुना है मैंने, आप दोनों सुनो के माध्यम से ही मैंने, आप लोगों से ही मेरे द्वारा सुना गया है क्या, तरति शोकम आत्मविदिति, जो आत्मा को जान लेता है वो शोक से तर जाता है। तो ये जो जीव है, जो नारद है, ये भी तो एक जीव है, और आत्मा को जानने वाला शोक से परे हो जाता है, तो ये आत्मा कौन है जिसको जानने के बाद में शोक से परे चला जाता है। तो सोहम भगवान शोचामि, हे भगवान ये मैं तो दुखी हूं, अभी जीवन में पूर्ण सुखी नहीं हो पाया हूं। तम माम भगवान, भगवान शोकस्य पारम तारय तु, तो हे भगवान, हे भगवान, हे श्रेष्ठ, आप मेरे को इस शोक से परे ले जाओ, शोक से परे तार दो। इति नारद वचनम सनत कुमार श्रुत्वा, सनत कुमार ने नारद के इस वचन को सुन करके अब जो कहा वो आगे बता रहे हैं। तस्मै मृदित कषायाय तमसह पारम दर्शयति भगवान सनत कुमार, भगवान सनत कुमार उसको, तस्मै उसके लिए, उसके लिए मतलब नारद के लिए, उसी उसने पूछा था और उसके लिए एक विशेषण दे दिया, मृदित कषायाय, जिसके कषाय दोष मृदित हो गए हैं, दुर्बल हो गए हैं, ऐसे उसको अब उपदेश दे रहा है, क्योंकि उसने जो इतनी विद्या पढ़ी है और इतनी विद्या पढ़ने के बाद में भी जब ये इस खोज में सच्चे साधक की तरह लगा हुआ है कि जी मेरी अभी दुख की निवृत्ति नहीं हुई है, शोक अभी नहीं गया है, इतना तो वो शुद्ध है, ये बात को पकड़ पा रहा है, नहीं तो संसार की चीजें तो उसको इतनी पढ़ने के बाद में मिली गई होंगी, मिली जाती है, उन सबको पाकर के भी वो वहां रुका नहीं था, और कुछ ना कुछ तो पवित्रता है, तभी तो वहां से बढ़ के आगे गया है वो, नहीं मेरे इससे सुखी नहीं हो पाया हूं, इस ज्ञान से भी सुखी नहीं हो पाया, तो तस्मै मृदित कषाय आया है, तमसह पारम दर्शयति, तम से भी जो परे है उसको दर्शयति, दिखाता है, ज्ञापयति, बताता है, जनाता है, कौन, भगवान सनत कुमार है। तो सनत कुमार नारद के लिए जो कि मृदित कषाय है उसके लिए तम से भी जो परे है उसको दिखाता है, तो ये उससे ऊंचा हो गया है, नहीं संप्रसादाद अधि ऊपरी, संप्रसाद से भी ऊपर, और पीछे भी जो हमने देखा था
परम ज्योति रूप संपद्य है, ऐसा संप्रसाद है शरीरात समुत्थाय परम ज्योति रूप संपद्य, तो और ऊंची चीज को प्राप्त कर रहा है तो संप्रसादात अधि उपदेशात वहां से भी ले सकते हैं और यहां पर भी कहा। लेकिन यहां ये तमसह पारम कौन है ये तो नहीं बताया, तमसह पारम से आप परमात्मा के अर्थ क्यों ले रहे हो, ये प्रश्न फिर कोई उठा सकता है। उसकी पुष्टि के लिए फिर एक शब्द प्रमाण देते हैं, देखिए तमसह परह परमात्मा जीवात्मा साक्षात कर्तव्य इति, जीवात्मना साक्षात कर्तव्य इति, तमसह पर को इन्होंने खोल दिया परमात्मा, और ये परमात्मा जीवात्मना साक्षात्कार कर साक्षात कर्तव्य, जीवात्मा के द्वारा साक्षात करने के योग्य है, जानने के योग्य है। वेदे भी प्रतिपादित, वेद में भी इस बात को कहा गया, वो दोनों बातें कि वो उसको पाना है और तमसह परे कौन है वो भी, तो कहा वेदाहमेतम, मां में एक ही मात्रा लगा लीजिए, वेदाहमेतम पुरुषम महंतम, मैं उस महान पुरुष को जानता हूं, आदित्य वर्णम तमसह परस्तात, जो तम से परे है, आदित्य वर्ण है, प्रकाशमान है सूर्य के समान, यजुर्वेद तो स एष भूमा जीवात्मनो अपि वरिष्ठत्वात् परमात्मा एव इति निश्चय है, तो ये जो भूमा है ये जीवात्मा से भी बड़े बड़ा है, तो वो परमात्मा ही हो सकता है, क्योंकि और जगह भी परमात्मा से आत्मा से बढ़कर के जो है जो प्राप्त हुआ है वो परमात्मा ही कहा गया है, इसलिए संप्रसादात अधि उपदेशात, वो भूमा जो है वो परमात्मा ही है, और कोई नहीं हो सकता जीवात्मा से बढ़कर के, इन प्रमाणों से इन्होंने पुष्ट किया। अब यहां भी देखिए तमसह परस्तात का है, वहां पर कहा था तमसह पारम उससे परे, अब यूं तो अर्थ इसका लेते हैं जैसे आदित्य वर्णम, वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम, जो आदित्य वर्ण वाला है, आदित्य कहते हैं सूर्य को, सूर्य के समान रंग वाला है। अब बहुत बड़े लोग हैं, बहुत काफी लोग जो साधना में बैठते हैं, बोले जब गुलाबी गुलाबी नहीं केसरिया रंग सूर्योदय वाला रंग वो दिखने लगता है तो समझना चाहिए परमात्मा के दर्शन हो रहे हैं, वेद मंत्र स्वयं कहता है, वो पुस्तक लिख रखी है संध्या से समाधि, व्याकरण आदि सब पढ़े हुए वैदिक परंपरा के हैं, सन्यासी हैं, योग शिविर भी लगाते हैं, और उसमें सारा वर्णन है इसी की पुष्टि के लिए, उपनिषद के वचन देखें, देखो परमात्मा का रूप यहां ये दिखा रखा है, देखो परमात्मा का रूप यहां ये दिखा रखा है, और इस मंत्र को भी उद्धृत किया है, और ध्यान में वो अभ्यास भी यही करवाते हैं आंख बंद करके, और जो प्रकाश दिखते हैं अलग अलग, तो परमात्मा का जो है वो ज्योति के समान है, ज्योति शब्द भी आता है उपनिषद में, परम ज्योति रूप संपद्य ज्योति है, ज्योति कैसी, दीपक की ज्योति लौ, तो बोले ध्यान में वो लौ दिखनी शुरू हुई है नहीं हुई है, और लोग तो करते ही हैं ऐसा, और उसी को परमात्मा का दर्शन मानते हैं। अब उपनिषदों में दूसरी के जो कहा कि परमात्मा में रूप नहीं होता है वो बनी ध्यान में आ रहा है यहां पर, ये सामान्य बात नहीं है, सब पढ़े लिखे की बात बता रहा हूं मैं आपको, ऐसा क्यों हो जाता है, वाक्य का अर्थ क्या होना चाहिए, क्यों यही अर्थ लिया जाना चाहिए, क्यों ये नहीं लिया जाना चाहिए। अब केवल शब्द के आधार पर लेते रहेंगे तो सीधा लिखा हुआ है आदित्य वर्णम, आदित्य के समान रंग वाला है वो, तो परमात्मा का रंग है, परमात्मा को नेत्रों से देखा जा सकता है, सीधे सीधे शब्द पे रहेंगे तो यही अर्थ निकलेगा। यानी भाषा शास्त्र को नहीं जाना, मीमांसा को नहीं जाना, मीमांसा तो भाषा शास्त्र का ग्रंथ है, केवल व्याकरण को देखा, व्याकरण से पूरे भाषा नहीं आती, व्याकरण से शब्दार्थ बोध होता है, ये वाक्य का अर्थ यहां पर क्या है, लक्षणा में क्या कहा जा रहा है वो हमें देखना होगा, अभिधा में लेंगे ये नहीं बना बात बनेगी। और निरुक्त जो कहता है, निरुक्त क्या व्याकरण की कृत्स्नता है, व्याकरण से कार्त्स्न्यम है, व्याकरण की संपूर्णता निरुक्त में हो जाके होती है, अर्थात निरुक्त को छोड़ करके जो अगर बाकी का व्याकरण देखेंगे तो वो अपूर्ण है, और वहां के देखो कैसे कैसे अर्थ लिए जाते हैं, यद्यपि आज प्रचलित व्याकरण में निरुक्त की बातें भी सम्मिलित हैं, बहुत सारी आ जाती हैं, तो ये तो पूरा सारा शास्त्र वेद वेदांग उपांग सारे मिलकर के ठीक अर्थ बताने में हमें संपन्न कर पाते हैं, नहीं तो गड़बड़ होगी, एक भाग पढ़ा हुआ है तो सारा नहीं होगा। एकम शास्त्रम अधियाना न विद्या शास्त्र निश्चय, ये चरक संहिता कह के एक शास्त्र को जिसने पढ़ा है वो शास्त्र के निश्चय को ठीक ठीक तत्व को नहीं जान सकता, वो गड़बड़ कर जाएगा।
तो उपमाएं दी जाती हैं उसका क्या है, ये उपमा और ये सारे अलंकार ये भाषा के ही तो शास्त्र, भाषा का ही तो विषय है कि किसने कब क्या उपमा दे दी और क्या अर्थ लिया जाना चाहिए, दूसरा नहीं लिया जाना चाहिए इत्यादि। ठीक है, तो ये वेदाहमेतम से उसकी आत्मा से संप्रसाद से ऊपर वो है, ये हमें कथन मिलता है। बड़ी चीज है तभी तो उसको पाना चाह रहा है वो, ये तो क्यों पाना चाह रहा है, ये शरीर को छोड़ के जा रहा है, ये सारे साधन छोड़ करके जा रहा है, उसके लिए क्यों जा रहा है वहां पर, बड़े को ही प्राप्त करता है, बड़े को पाकर के ही सुखी होता है। तो यहां तक हो गया। अब भूमा शब्द से परमात्मा का ही ग्रहण होगा, इसकी पुष्टि में और प्रमाण दे रहे हैं। नवा सूत्र है धर्मोपपत्तेश्च, धर्म की उपपत्ति होने से भी, उपपत्ति मतलब सिद्धि संगतता, किसके धर्म, तो परमात्मा के धर्म वहां पर संगत हो रहे हैं, वहां पर घटते हैं। भाष्य देखिए, अथ च अत्र प्रकरणे भूमनो ये धर्मा गुणा प्रतिपादिता संति, ये जो भूमा के प्रकरण में जो गुण धर्म उस भूमा के यहां बताए गए हैं वे ते परमात्मनि एव उपपद्यन्ते युज्यन्ते, वो परमात्मा में ही घटते हैं, परमात्मा में ही संगत होते हैं। तद्यथा, जैसे कि उस वचन को बता रहे हैं, स भगवा कस्मिन प्रतिष्ठिता इति, वो पूछा कि हे भगवान वो किसमें प्रतिष्ठित है, ये छांदोग्यता है, इति स्वमहिमनी लिखा है यहां पर, स्वे महिमनी कर लीजिए, स्वे को अलग कर लीजिए, महिमनी वो अपनी महिमा में प्रतिष्ठित है। जब ये पूछा गया है इसकी प्रतिष्ठा क्या है, भूमि की प्रतिष्ठा क्या है, इसकी प्रतिष्ठा क्या है, बताते गए ये प्रतिष्ठा ये प्रतिष्ठा, वो जो अंत में आया बोले इसकी प्रतिष्ठा क्या है, बोले इसकी कोई प्रतिष्ठा नहीं, ये अपनी प्रतिष्ठा में ही प्रतिष्ठित है, स्वयं अपने आप में, इसकी कोई और प्रतिष्ठा नहीं है, इसका कोई आश्रय नहीं है, वो स्वयं अपने को धारण कर रहा है, स्वमहिमनी। और वहां पर आगे ये भी कहा है, यदि वह न महिमनी, या किसी की भी महिमा से किसी के भी आश्रय में, या तो यूं कह रहे हो कि वो अपने आप पे स्वयं अपने पे आश्रित है, या यूं कहोगे वो किसी पे आश्रित नहीं, दोनों का एक ही अर्थ है। वहां उसके साथ साथ ये दूसरा वाक्य दिया गया है कि एक कहें कि भाई ये किस पे आश्रित है, बोले स्वाश्रित है, अपना रोजगार स्वयं कर लेता है। दूसरा कहें भी किस पे आश्रित है, बोले नहीं ये किसी पे भी आश्रित नहीं है, दोनों का अर्थ वही है, वे किसी पे आश्रित नहीं है, स्वयं अपना कमा लेता है। ऐसे परमात्मा के लिए या तो वो अपने पे स्वयं महिम नहीं, अपनी महिमा में ही आश्रित है, अथवा किसी की भी महिमा पे आश्रित नहीं है। तो ऐसा कौन हो सकता है? अब ये परमात्मा का एक धर्म बता दिया गया, ये बात प्रकृति पे लागू नहीं कर सकते हम, वो अपने आप पे आश्रित नहीं है, दूसरों पे आश्रित रहती है, नष्ट हो जाती है, बन नहीं सकती है। और जीव तो हम प्रत्यक्ष अनुभव कर ही रहे हैं कि हम दूसरों पर आश्रित हैं, अन्य मनुष्यों पर आश्रित हैं, प्रकृति पर आश्रित हैं, परमात्मा को कोई ना भी माने तो भी हम स्वाश्रित तो है नहीं, जो स्वाश्रय हमारा दिखता है उसमें भी पराश्रय है हमारा। तो वो जो किसी पर आश्रित नहीं है, जो अपने पर ही आश्रित है, जिसका आश्रय वो स्वयं खुद है, स्वयं है, वो कौन हो सकता है? ये एक धर्म पता लग गया, ये परमात्मा ही हो सकता है, इसलिए भूमा का मतलब परमात्मा ही लिया जाएगा। तो आगे, परमात्मा एव स्वमहिमनि प्रतिष्ठते न तु जीवात्मा तस्य परमात्मा श्रयत्वा, तो परमात्मा ही अपनी महिमा में आश्रित है, जीव तो हो नहीं सकता क्योंकि वो परमात्मा पे आश्रित है। तथा और कह रहे हैं, स एव अधस्तात्, दूसरा प्रमाण दे रहे हैं दूसरे धर्मों की उपपत्ति, कि वहां जो लक्षण कहे गए हैं वो किस पे घटेंगे, तो एक लक्षण और ये दिया गया, स एव अधस्तात् वो नीचे से है, स उपरिष्टात् वो ऊपर से है, स पश्चात वो पीछे से है, स पुरस्तात् वो सामने से भी है। अब ये लक्षण किस पे, एक पे घटेंगे, एक ही पे घटाने हैं, दो पे तो घटा नहीं सकते कि पीछे से कोई और है, आगे से कोई और है, ऊपर से कोई और है, अलग अलग दिशाओं में अलग अलग को ले नहीं सकते, क्योंकि एक ही को कहा जा रहा है कि वो आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं सब जगह है। तो उत्तर देर इसका खोल रहे हैं, ये तो वचन था कि परमात्मा एव सर्वासु दिक्षु विभु रूपत्वात् वर्तते न जीवात्मा, अब विभु होने से परमात्मा ही सब और रह सकता है, जीवात्मा तो रह नहीं सकता है। तस्मात् अत्र प्रकरणे भूमा परमात्मा एव विज्ञेयः, इसलिए भूमा शब्द से इस प्रकरण में परमात्मा का ही ग्रहण करना चाहिए, निश्चय कारक है, निश्चय करते हैं क्यों ऐसा ही होना चाहिए। तो भूमा शब्द की चर्चा यहां पर हो गई, अब एक शब्द और उठाते हैं परमात्मा का, वो है अक्षर। अक्षर पीछे आया था वचनों के अंदर, अक्षरात् परतः परः, वो अक्षर परमात्मा के लिए भी आता है और अक्षर प्रकृति के लिए भी आता है, मूल प्रकृति के लिए भी,
क्योंकि वो भी क्षीण नहीं होती है, नष्ट नहीं होती है, दोनों के लिए आता है। लेकिन अब जो ये प्रसंग कहे गए यहां अक्षर शब्द से किसका ग्रहण किया जाएगा उसके लिए चर्चा यहां पर चलाइए। तो दसवां सूत्र है अक्षरम अंबरांत धृते है। अक्षर जो शब्द आया अध्यात्म ग्रंथों में, यह भी परमात्मा का वाचक है। अक्षरम यह भी परमात्मा का वाचक है, कारण अंबरांत धृते है, अंबर पर्यंत, अंत का मतलब है पर्यंत, जैसे हम पर्यंत में भी अंत शब्द आता है ना, आकाश तक, यानी नीचे छोटी चीजों से लेकर से बड़ी से बड़ी जो आकाश है उन तक, यानी सारी चीजों तक। अंबरांत धृते है, उनकी धृति धारण करने से, ये जो अक्षर है ये इन सबको धारण करता हुआ वहां कहा गया है, तो इन सबको धारण करने वाला तो परमात्मा ही होता है, इसलिए अक्षर का मतलब परमात्मा ही गृहित होगा, ये इसका तात्पर्य सूत्र का। भाष्य देखिए, क्वचित अध्यात्म ग्रंथे अक्षरम ब्रह्म नाम भवती, कहीं कहीं अक्षर शब्द ब्रह्म का वाचक होता है। ये क्वचित इन्होंने इसलिए कहा क्योंकि अध्यात्म ग्रंथों में अक्षर शब्द मूल प्रकृति के लिए भी आता है। यथा, जैसे कि अब इन्होंने एक वचन ले लिया है, इसको लेकर के चर्चा कर रहे हैं। बोले कस्मिन ननु खलु आकाशः ओतश्च प्रोतश्च इति, ये आकाश भी किसमें गुथा हुआ है और किसके ऊपर आश्रित है, वो तो प्रोत है। तो स होवाच एतद्वै तत् अक्षरम गार्गी, बोले वो कौन है, ये अक्षय है गार्गी, ये गार्गी और यज्ञवल के वाला जो संवाद है उसमें तो कहते हैं गार्गी ये अक्षर ही है जिसमें ये आकाश भी ओतप्रोत है। ब्राह्मणा अभिवदंती, ब्राह्मण ग्रंथ इस विषय में कहते हैं परमात्मा के बारे में, उसी के बारे में कैसा है, अस्थूलम अनणु अह्रस्वम, वो स्थूल नहीं है, अस्थूलम का मतलब है स्थूल नहीं है, और अनणु वो अणु भी नहीं है। स्थूल नहीं है इसका क्या मतलब है, जैसे ये दीवार ईंट पत्थर, ये स्थूल मतलब ऐसे मोटे, स्थूल का मतलब यूं बड़ा बड़ा अर्थ नहीं लेना है, बड़ा तो वो है ही सर्वव्यापक होने से, लेकिन स्थूल का मतलब है इस तरह से जो स्थूल है, लेकिन सूक्ष्म तो है वो, और अनणु वो अणु नहीं है, अणु की तरह से छोटे आकार का नहीं है, वो विभू है, अनणु अणु अणु से भिन्न विभू है वो। अह्रस्वम, वो ह्रस्व नहीं है, छोटा नहीं है, इत्यादि, ये वहां और बहुत सारी बातें कही हैं। तो अत्र अक्षरम ब्रह्म नाम, तो यहां पर जो अक्षर शब्द कहा गया है वो ब्रह्म का ही नाम है। कुतः क्यों, तो बोले अंबरांत धृते है, भाष्य खोल रहे हैं, तस्से खलु आकाशांत सृष्टे है, अंबरांत धृते, अंबर कहते हैं आकाश को, धरती और अंबर, अंबर आकाश को बोलते हैं, एक सुगंधित पदार्थ भी होता है अंबर, वो अलग चीज है, ये अंबर मतलब तो इस आकाश के लिए है। अंबर अभ्रक को भी कहते हैं, आकाश के जितने भी पर्यायवाची नाम है वो अभ्रक के भी पर्यायवाची नाम है, अभ्रक होता है ना माइका, उसके संस्कृत में आकाश के जितने भी पर्यायवाची नाम है वो अभ्रक के भी हैं, ऐसा संस्कृत के अंदर चलता है। तो अंबर शब्द से इन्होंने क्या खोल दिया, अंबरांत धृते को खोल दिया, खलु आकाशांत सृष्टे धारण शक्ति मत्पाद, आकाश पर्यंत सृष्टि की धारण शक्ति वाला जो है वो है यहां पर। तत्र गार्गी पृच्छति, वो गार्गी वहां पर पूछती है क्या, यदूर्ध्वम यज्ञवल के दिवा यद अवाक पृथिव्या, हे यज्ञवल के जो द्युलोक से भी ऊपर है, ऊर्ध्वम दिवा, द्युलोक तो ऊपर है ही, उस ऊपर वाले द्युलोक से भी ऊपर कौन है, और यद अवाक पृथिव्या, पृथ्वी हमारे नीचे है, तो बोले इस पृथ्वी से भी नीचे और कौन है, यद अंतरा द्यावा पृथ्वी, जो इन द्युलोक और पृथ्वीलोक के अंदर है, द्यावा पृथ्वी, यद नहीं, यद अंतरा द्यावा पृथ्वी इमे यद भूतम, ये द्यावा पृथ्वी जिसके अंदर है, यद भूतम भवच्च भविष्यच्च इति आचक्षते, जो भूत पीछे जो हो चुके, भवच्च जो हो रहे हैं, भविष्यच्च जो भविष्य में होने वाले हैं, ये जो जो कहे जाते हैं कि ये भूत है, ये वर्तमान है, ये भविष्य है, कस्मिन स्तत ओतम प्रोतम च इति, ये सारे के सारे किसमें ओतप्रोत हैं, किसमें विद्यमान है। तो यज्ञवल के न उत्तरितम, यज्ञवल के ने कहा आकाशे तत ओतम प्रोतम च, वो आकाश में विद्यमान है। अब यहां फिर प्रश्न खड़ा होगा ना कि आकाश का मतलब क्या लिया जाए,
आकाश पीछे हम आ चुके हैं, एक आकाश ये भी होता है, भौतिक आकाश है या अवकाश है, तो ये जो स्थूल चीजें हैं ये उसके अंदर विद्यमान है, इतना कहा कथन किया जा सकता है। ठीक, तो ये आकाश में है। तो पुनर्गार्ग्यः प्रश्नो याज्ञवल्क्य उत्तरम च, फिर गार्गी ने प्रश्न किया और याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया। इसके बाद में गार्गी क्या पूछती है, कस्मिन्नु खलु आकाश है ओतप्रोतश्चेति, ये सारी चीजें तो आकाश में ओतप्रोत है, ये आकाश किस में ओतप्रोत है। तो याज्ञवल्क्य क्या कहते हैं, स होवाच एतद वही तद अक्षरम गार्गी ब्रह्मणा अभिवदति, ये वही अक्षर है जिस पे ये आकाश भी आश्रित है, ओतप्रोत है, जिसके लिए कि ब्राह्मण बोलते हैं। क्या, ब्राह्मणा अभिवदति अभिवदंती अस्थूलम अननु अह्रस्वम, जो पीछे का वचन था, तो पीछे वाले वचन से उसके प्रसंग के आधार पे क्या आ रहा है कि जो आकाश का भी आधार है, आकाश भी जिसमें विद्यमान है, वो कौन है, अंबर पर्यंत, आकाश सबसे अंत में आ गया, तो अंबर पर्यंत जितनी पहले की चीजें वो सारी की सारी किसमें ओतप्रोत है, तो अंबरांत धृत, इन सबको धारण करने वाला कौन हो सकता है, वो परमात्मा ही हो सकता है। तथा और आगे कह रहे हैं वचन, एतस्मिन्नु खलु अक्षरे गार्गी आकाशः ओतप्रोतश्च, इस अक्षर में हे गार्गी आकाश ओतप्रोत है, यज्ञवल्क्य कहने का, एवं पृथिव्यादेह आकाश पर्यंतस्य धारणा, इस प्रकार पृथ्वी से लेकर के आकाश पर्यंत इनका धारण करने से, तद्धारयित्री रूपम अक्षरम ब्रह्मैव भवितुम अर्हति, उनका धारण करने वाला, धारण करने की शक्ति वाला, सामर्थ्य वाला अक्षर वो ब्रह्म ही हो सकता है। अत्र अन्यत्र उपनिषदि च, अन्य उपनिषद में भी ये बात कही गई है, पहले ये वचन आ चुका है, मुंडक का हमने देखा था, ये न अक्षरम पुरुषम वेद सत्यम, जिसके द्वारा ये अक्षर पुरुष, ये सत्य पुरुष जान लिया जाता है। तो वेदे अपि अक्षरम ब्रह्म नाम आगतम, वेद से भी प्रमाण दे रहे हैं कि अक्षर शब्द परमात्मा के लिए वेद में भी आया है। जैसे ऋचो अक्षरे परमे व्योमन यस्मिन देवा अधिविश्वे निषेधु, अब इसमें अक्षर शब्द आया है, या निश्चय ही परमात्मा का वाचक है, उस परम व्योम में, अक्षर में ऋचा, यस्मिन देवा अधिविश्वे निषेधु, देवता लोग जिसके अंदर रहते हैं, निवास करते हैं। तो एवं एतत् उपनिषद कथनम वेदानुसारी, तो उपनिषद का कथन, अक्षर का मतलब परमात्मा, वो वेद के अनुसार है, वेद में भी अक्षर शब्द परमात्मा के लिए भी आया है, और बाकी लक्षण देख करके हम निश्चय कर लेते हैं ये परमात्मा के लिए आया है अथवा प्रकृति के लिए आया है। अब परमात्मा सबका आश्रय है, अंबर का आश्रय है, एक इसमें अंबर जो शब्द है ना, अंबर, तो अंबर शब्द, अंब शब्द है, अंब जो है वो धातु, वो अभी 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 धातु शब्द है, अभी शब्द शब्द अर्थ में इदित है, तो अंब बन जाता है भाव में, अब अंब अण करके घए करके अंब बनेगा। तो अंब शब्द, अंब का मतलब है शब्द, तमराति इति, तमराति ददाति, जो उसको देता है, शब्द गुण आकाश का माना गया, तो अंबर मतलब जो शब्द को देता है, जो शब्द को उत्पन्न करता है, जो शब्द का आश्रय है, जिससे हमें शब्द की प्राप्ति होती है, उसको अंबर बोलते हैं, शब्द को जो देता है, अंबर मतलब आकाश। ग्यारहवां सूत्र, ये जो शक्ति है सर्वव्यापक, जो इनका आश्रय है, वो उसके बारे में और कह रहे हैं। ग्यारहवां सूत्र है, साच प्रशासनात्, ये जो परमात्मा है ये प्रशासन है, केवल व्यापक ही नहीं है, उनका प्रशासन भी करता है, कि वो उसके अंदर है मात्र इतना नहीं, उसका प्रशासक भी है। भाष्य में जो कोष्ठक में लिखा है, सच सा कर लीजिए उसको, साच अमरांत धृति, इसको खोल दिया, आकाशांत धारण शक्ति, आकाश पर्यंत जो चीजों को धारण करने वाली शक्ति है, वह न केवलम आकाशत आश्रय भूता एव, आकाश के समान वो केवल सामान्य आश्रय नहीं है कि उसमें बस चीजें रखी हुई हैं, इतनी मात्रा नहीं है, प्रशासनात् तस्य परमात्मनः प्रशासनात्, उस परमात्मा के प्रशासन होने से उनका शासन भी करता है, केवल रख ही नहीं रखा है उसने, सती प्रशासन रूपा अपि अस्ति, वे प्रशासन रूप होती हुई भी है, उसके अंदर ये सारी चीजें भी हैं और वो उनका नियंत्रण भी कर रही है, उनका निर्देशन भी करती है, ये भी साथ में जुड़ा हुआ है। तथा च उच्यते, जैसा कि कहा गया है, बृहदारण्य का उदाहरण दे रहे हैं, एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी सूर्या चंद्रमसौ विधृतौ तिष्ठता, इस अक्षर के, वहां अक्षर की चर्चा आई परमात्मा की, तो उसका वर्णन किया जा रहा था, इस अक्षर के प्रशासन में
हे गार्गी, सूर्य और चंद्र धारण किए हुए ठहर रहे हैं, वो उसको धारण कर रहा है और ये तभी ठहर पा रहे हैं। एतस्यवा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी द्यावा पृथ्वीयो विद्रते तिष्ठतः, द्विलोक पृथ्वीलोक भी उसी के आश्रय में रहते हुए धारण किए हुए हैं। तस्मात अक्षरम तद ब्रह्मैव भवितुमर्हति, ये चीज केवल परमात्मा ही कर सकता है, दूसरा तो कोई है नहीं। जो वो है, जो इन सबको धारण कर रहा है, बस वही तो परमात्मा है, इसलिए अक्षर शब्द से ब्रह्म का ही ग्रहण किया जाना चाहिए। तो अभी का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणोदन ओ सभी को सादर अभिवादन। ओम शांति।